नमस्कार। भारत को अपनी सेना भेज के जल्दी से जल्दी भूटान को कब्जा करना होगा, नहीं तो नेपाल में जो हाल भारत का हुआ वही हाल भारत का भूटान में होने वाला है। आप फाइनल समझे कि जिस दिन चीन भारत पे अटैक करेगा उस दिन नेपाल काला पानी के लिए भारत पर अटैक करेगा, ये लगभग फाइनल है। यदि भारतीय जनता सोचती है कि नेपाल कुछ नहीं करेगा तो वो गलत है। ये फाइनल है कि जिस दिन चीन अटैक करेगा उस दिन नेपाल काला पानी के लिए भारत पर अटैक करेगा। अब यही कंडीशन भूटान में पैदा होने वाली है। भूटान और चीन के बीच में थ्री स्टेप रोड मैप नाम की एक डील हुई है। इस डील का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी उसी प्रकार से होगा जैसे काला पानी का है। काला पानी और डोकलाम का जो पठार है, इसके काला पानी भी ऊंची जगह है और चुंबी वैली के ऊपर डोकलाम का पठार, डोकलाम के पठार की जो ऊंची जगहें हैं उस पर चीन अपना नियंत्रण चाहता है। काला पानी और डोकलाम के पठार की ऊंची जगहें दोनों एक जैसी हैं। काला पानी से दिल्ली पर नजर रखना या दिल्ली पर हमला करना या दिल्ली तक पहुंचना बहुत आसान है। उसी प्रकार चुंबी वैली के ऊपर डोकलाम के पठारों से भारत के सात जो राज्य हैं उनको आराम से अलग किया जा सकता है। अभी आज की पोजीशन में भारत इन दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा मजबूत है और ये दो ही जगह ऐसी है जहां से चीन की सेना भारत में घुस सकती है और भारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। काला पानी से दिल्ली को हिट आराम से किया जा सकता है और डोकलाम के पठार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक किया जा सकता है और सात राज्य भारत से अलग किए जा सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पर चीन अपना नियंत्रण चाहता है। देखिए जो अब चुंबी वैली यानी डोकलाम के पठार में हो सकता है या होने वाला है वो नेपाल में हो चुका है। 2017 में क्या कहा गया था चीन के द्वारा, जब डोकलाम में भारत ने भूटान की तरफ से कहा था या भूटान की तरफ से सीमा पे अड़ गया था भारत, तो चीन ने कहा था कि हम नेपाल की तरफ से काला पानी का मुद्दा उठाएंगे। और इस बार जब भारत और चीन में तनाव तेज हुआ तो नेपाल में काला पानी का मुद्दा बहुत तेज उठा दिया गया। काला पानी के विषय में नेपाल की जनता इतनी एकजुट कभी नहीं हुई है जितनी कि इस बार हुई है। और नेपाली जनता को एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए कि हमें काला पानी चाहिए। और चीन यही चाहता है कि काला पानी से भारतीय सेना हट जाए ताकि चीन की सेना वहां पर बैठ सके। यानी चीन को हर हाल में काला पानी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए वो अपने से तो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए नेपाली नेताओं का उपयोग चीन ने भरपूर किया और नेपाली मीडिया का भी उपयोग किया। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने 1990 के बाद नेपाल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोली, लेकिन माओवादियों ने भारत की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया नेपाल में। दूसरा, भारत की बड़ी बड़ी परियोजनाएं 6-6 हजार मेगावाट की परियोजनाओं को नहीं चलने दिया, बंद करवा दिया विदेशी इशारों में नेपाल ने। आज क्या हुआ कि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय केवल $1,200 ही रह गई। भूटान ने भारत की इंडस्ट्रीज को अपने यहां लगाया, भारत को जो बिजली संबंधी परियोजनाएं हैं हाइड्रो पावर संबंधी उन पर भी काम किया। तो भूटान ने पैसा कमाते कमाते आज $3,500 सालाना कमाता है। लेकिन अब भूटान में भी नेपाल जैसी स्थिति ही पैदा होने वाली है चीन की इस डील से। अब धीरे धीरे करके भूटानी मीडिया में भी भारत को बदनाम किया जाएगा, भारत की इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा और जो भारतीय प्रोजेक्ट वहां पे चलेंगे उनको भारी नुकसान पहुंचा के बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज सन 2000 से और 2008 के बीच में नेपाल में बंद हुई, इसका नुकसान सीधे तौर पर नेपाल को हुआ। यदि वो इंडस्ट्रीज चलती रहती तो इस समय नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $2,000 सालाना से कम नहीं होती। लेकिन माओवादियों ने विदेशी इशारे पर ऐसा काम किया कि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय पूरी तरीके से घटा दी। भूटान जो कि नेपाल से गरीब देश था वो नेपाल से 3 गुना ज्यादा धनी हो गया भूटान का आदमी। क्यों हुआ? क्योंकि उसने भारत की बात मानी। लेकिन अब चीन बीच में आने वाला है तो इसका मतलब अब भूटान भी बदनाम या बर्बाद होने वाला है।
भूटान में धीरे धीरे करके सारी जो भारत की परियोजनाएं हैं उनका विरोध किया जाएगा और भूटान को भी नेपाल की कंडीशन में किया जाएगा, भारत से जो लड़ने के लिए तैयार हो या अपना भूभाग चीनी सेना को देने के लिए जो तैयार हो। आपको ध्यान में रखना होगा कि नेपाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में चीन को बहुत सारी जमीन दे चुका है, जिसे चाइना नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क कहते हैं। और नेपाल पूरी तरीके से चाहता है कि कालापानी नेपाल को मिल जाए, और कालापानी नेपाल को तो क्या मिलेगा, वहां पे चीन की सेनाएं बैठ जाएंगी। तो इसी प्रकार भूटान के साथ में भी होने वाला है, भूटान में भारी विरोध होने वाला है अब भारत का। और चुंबी वैली के ऊपर जो डोकलाम के पठार है, उन पठारों पे अभी तक भारतीय सेना का नियंत्रण था, यानी भारतीय सेना ने कभी जो भूटान की भूमि है उस भूमि पर कभी चीन को नहीं आने दिया। यदि ये जो थ्री स्टेप रोड मैप डील है ये हो जाती है तो इसके अंतर्गत डोकलाम के पठार का जो ऊंचा भाग है वो चीन को दिया जाएगा, लगभग वो 250 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बदले में चीन और भूटान के बीच में तीन जगह बड़े विवाद हैं। इनमें से चीन ने साफ क्लियर किया है कि दो जगह का विवाद, दो जगह की भूमि वो भूटान को दे देगा। यदि भूटान डोकलाम के पठार की ऊपरी भूमि चीन को दे देता है तो जो भूमि चीन लेगा वो है लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर, और जो भूमि चीन भूटान को देगा वो 450 स्क्वायर किलोमीटर भूमि है। यानी चीन भूटान को ज्यादा भूमि देने को तैयार है डोकलाम के पठार के बदले। तो ऐसा क्यों है, चीन 450 स्क्वायर किलोमीटर भूमि भूटान को देना चाहता है और बदले में 250 स्क्वायर किलोमीटर भूमि रखना चाहता है? क्योंकि वो जो भूमि है 250 स्क्वायर किलोमीटर की, वो सीधे सिक्किम में जो भारतीय सेना ऊंची जगहों पर बैठी है, नाथुला चोला आदि जितने भी दर्रे हैं, वहां से उन जगहों को आराम से हिट किया जा सकता है। क्योंकि चुंबी तो घाटी है, नीचे है, चीन की सेना नीचे है, और इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड, इस साइड भारत की भूमि है, इस साइड भूटान की भूमि है। तो इस साइड वाली जो भूमि है उस पर चीन नियंत्रण चाहता है, ताकि चुंबी वैली तो नीचे रह गई, ताकि सीधे अटैक किया जाए कहां, जहां भारतीय सेना बैठी हुई है वहां। तो भूटान की इस भूमि को चाहता है, यह है 250 किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर। बदले में चीन भूटान को 450 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि देने को तैयार है, और भूटान इस पर राजी भी हो सकता है, क्योंकि भूटान का क्या जाता है, नुकसान होगा तो भारत का होगा। वैसे चेकबुक डिप्लोमेसी के तहत भूटान की सरकार, राजा भी आराम से बिक सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि चीन का पैसा कुछ भी करवा सकता है। तो भूटान के जो राजनेता है उनको तो अपनी जेब दिख रही है, इसलिए वो चीन के साथ में इस प्रकार की डील करने को बिल्कुल तैयार है। और जैसे ये डील होती है, ये समझौता लगभग हो गया है, वैसे ही आप देखना कि भूटान की मीडिया में भारत विरोधी चीजें लिखी जाने लग जाएंगी, और भूटान की मीडिया में बताया जाने लगेगा भूटान की जनता को कि भारत ने आपको बर्बाद कर दिया, भारत ने आपसे सब कुछ ले लिया। जबकि हकीकत यह है कि भूटान नेपाल से भी ज्यादा गरीब देश था। आज नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1200 सालाना है और भूटान की $3500। वो ऐसे हुई कि भारत ने वहां पर, भूटान भारत को करोड़ों यूनिट बिजली बेचता है। दूसरा, नेपाल में जो इंडस्ट्रीज थी भारत की, उसको माओवादियों ने तबाह कर दिया था, लेकिन भूटान में जो इंडस्ट्रीज है भारत की वो तबाह नहीं हुई है, वो अच्छे से चल रही है। और भूटान में भारत बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, भूटान का सब सामान भारत ही खरीदता है, यानी भूटान भारत पे डिपेंड है, इसलिए भूटान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $3500 है। और नेपाल में भारत की सारी इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया, डैमों को तबाह किया गया, इसलिए नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, क्योंकि रोजगार की साधन ही नहीं है, ज्यादातर लोग विदेशों में चले जाते हैं। जो रोजगार के साधन भारत ने पैदा करवाने की कोशिश की थी इंडस्ट्रीज लगा के नेपाल के प्लेन एरियो में, वो सब माओवादियों ने ध्वस्त कर दिए थे। नेपाल में एक समय 24 घंटे में 18 घंटे तक लाइट नहीं रहती थी, क्योंकि माओवादी लोगों ने डैमों को तबाह कर दिया था। हमें अच्छे से मालूम है कि भारत के 5 उद्योगपति बड़े बड़े, उनका अपहरण कर दिया गया था नेपाल में सन 2000 के बाद।
और हफ्ते में 15 दिन 20 दिन ही इंडस्ट्री चलती थी। माओवादियों ने वहां के वर्करों को कुछ राइट्स दिए, उस राइट्स के तहत नेपाली वर्करों ने इंडस्ट्रीज को बंद करना चालू कर दिया और बात बात पे हड़ताल करना चालू कर दी, जिससे कि भारतीयों ने जो प्लानिंग बना रखा था कि हम नेपाल में धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं और खुल भी रही थी लगातार, वो सारा चौपट हो गया और भारतीयों ने वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना बंद कर दिया। पंचेश्वर जैसे डैम जिनकी क्षमता 6,000 मेगावाट थी लाइट बनाने की, उनको तक भारत ने बंद कर दिया, उन परियोजनाओं पे काम नहीं किया। यानी ये सारी परियोजनाएं माओवादी नहीं होते नेपाल में तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय इस समय $5,000 होती सिक्किम के बराबर, सिक्किम की इस समय $5,200 है। पहाड़ी राज्यों में सबकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड 3,000, हिमाचल भी लगभग $3,000, सिक्किम $5,300। पहाड़ी राज्यों में केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय केवल $1,200 है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय परियोजनाओं का विरोध होना, भारतीय इंडस्ट्रीज का विरोध होना। भारत ने पहाड़ी राज्यों में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खोले, जहां जहां जिस राज्य में भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या जिस देश में भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, भूटान आदि लेके, वहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। लेकिन नेपाल में भारत की सारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया गया था, इसलिए नेपाल की प्रति व्यक्ति आय आज भी $1,200 है, यानी बहुत कम है। यानी भारत का प्रत्येक पहाड़ी राज्य और भूटान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो नेपाल से 3 गुना ज्यादा है। और ऐसा इसलिए हुआ, नेपाल को क्यों गरीब बनाया गया? विदेशी कुछ ताकतों ने, माओवादियों ने भारत की सारी परियोजनाओं को खत्म कर दिया नेपाल से। अब मुश्किल से ज्यादा 15% परियोजनाएं चल रही होंगी, यानी 85% जो भारत के प्लान थे नेपाल में परियोजना इंडस्ट्रीज लगाने के, वो सारे बंद करवा दिए गए माओवादियों के भारत विरोध के कारण। और नेपाली मीडिया में ये कहा गया कि भारत ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया नेपाल का, ठीक है, इसलिए नेपाली लोग भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। ये बात यदि हम नेपालियों को कहते हैं तो वो हमको गाली गलौज करते हैं, वो कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन गहराई से देखिए, भारत के सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय $3,000 से ऊपर है। भूटान भारत के साथ में रहा तो भूटान की प्रति व्यक्ति आय $3,500 है। सिक्किम, जिसे नेपाल कहता है कि ये हमारा भूभाग था, उसकी प्रति व्यक्ति आय $5,300 है और नेपाल की $1,200। ऐसा क्यों, नेपाल को क्यों गरीब बनाया गया? यानी जो अच्छा खासा विकसित हो सकता था, यदि भारत के प्रोजेक्ट नेपाल में बंद नहीं होते तो इस समय नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $5,500 से पार होती। नेपाली लोग ये बात नहीं समझते, नेपाली लोग उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने नेपाल को तबाह किया, जिन्होंने भारत की इंडस्ट्रीज को नेपाल में बर्बाद किया, जिन्होंने भारत की परियोजनाओं को नेपाल में बर्बाद किया, उन्हीं लोगों का साथ देते हैं नेपाली लोग। डॉक्टर सुरेंद्र केसी एक विश्लेषक है नेपाल के, वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों में 70% नेपाली युवा विदेशों में जाने लग गए हैं, यानी नेपाल से रोजगार खत्म हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र केसी का यह कहना है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और डॉक्टर सुरेंद्र केसी का मानना है कि इसमें जो इंडस्ट्रीज तबाह हुई है, जो परियोजनाएं तबाह हुई है, इसी कारण नेपाली युवाओं को विदेश जाना पड़ा और इन इंडस्ट्रीज को तबाह किया है माओवादियों ने। माओवादियों ने भारतीय उद्योगपतियों का अपहरण किया, फैक्ट्रियों से अनलीगल टैक्स मांगा, यानी कि कह सकते हैं दादागिरी टैक्स मांगा, और फैक्ट्रियों को 1 महीने में 15 दिन 18 दिन चलती थी फैक्ट्रियां। इस कारण भारत की इंडस्ट्रीज वहां फ्लॉप हुई और जो इंडस्ट्रीज भारत लगाना चाहता था वो सब रुक गई। 2000 से और 2010 के दौरान यही हुआ है। तो विदेशी शक्तियों के इशारे पे नेपाल को तबाह किया गया, उसी प्रकार अब भूटान को भी तबाह कर दिया जाएगा। यानी भूटान की जो प्रति व्यक्ति आय $3,500 है, वो भी लगभग भारत विरोध करते करते, यदि भूटान भारत विरोध पे उतरा तो भूटान का हाल भी बहुत बुरा होने वाला है। यानी जो $3,500 आपको सालाना प्रति व्यक्ति आय दिखाई देती है भूटान की, वो फिर उतनी नहीं रहेगी, वो घटकर $2,000, $1,800, $1,500 सालाना आ जाएगी। इसका मुख्य कारण है, जैसे नेपाल में मीडिया ने भारत विरोध चालू किया, नेपाली जनता को भारत विरोधी बना दिया,
नेपाली जनता उसी का समर्थन करती है जिसने उनके देश को बर्बाद किया, क्योंकि नेपाली जनता को पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन है कौन। उसी प्रकार भूटान की जनता को भी भ्रमित किया जाएगा और वो भी भारत को दुश्मन मानने लग जाएगी और भूटान की भी प्रति व्यक्ति आय खत्म, ठीक है, जीडीपी खत्म हो जाएगी। अब फिलहाल जो संकेत नजर आ रहे हैं वो इस चीज के आ रहे हैं कि हो सकता है कि भूटान भी नेपाल की तरह चीन का पक्ष लेने लग जाए, इसके जो चांस हैं ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत इतना आसानी से ये सब कुछ नहीं होने देगा, लेकिन चांस पूरे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि भूटान की फॉरेन पॉलिसी पर इंडिया को कब्जा कर लेना चाहिए, चाहे वो सेना के बल पे करे, चाहे वो प्यार से करे, चाहे वो चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत करे, लेकिन भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पे भारत कब्जा नहीं कर पाया, इसका रिजल्ट क्या निकला कि नेपाली जनता भारत की पूरी विरोधी हो गई। और दूसरा रिजल्ट निकला कि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सभी पहाड़ी राज्य और देशों से बहुत कम हो गई, और भारत को जो करोड़ों यूनिट बिजली खरीदना था नेपाल से वो कम हो गया। आज नेपाल 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए की रोज की बिजली एक्स्ट्रा बर्बाद नेपाल में हो रही है, क्योंकि प्रसारण लाइन भारत तक पहुंचाने की नहीं है, क्योंकि इन प्रसारण लाइनों का समय समय पर विरोध किया गया, यानी नेपाल को नुकसान ही नुकसान किया गया। भारत विरोध करवा करवा के नेपाल को भारी नुकसान किया गया, और इतना नुकसान किया गया कि आज नेपाली युवाओं को, जिनके ऊपर देश की बागडोर है, जिन्होंने देश को उत्पादन के क्षेत्र में आगे ले जाना था, उन युवाओं को विदेशों में जाके नौकरी करनी पड़ रही है, यानी विदेशों को ताकतवर बना रहे हैं नेपाली युवा। अपने देश को ताकतवर बनाना चाहिए था इंडस्ट्रीज लगा के, लेकिन माओवादियों के भारी विरोध के कारण नेपाल इंडस्ट्रीज में सफल नहीं हुआ। नेपाल 1970-75 के दौरान 70-75 नंबर पे था सकल घरेलू उत्पादन में, लेकिन माओवादियों ने इसे ऐसा बना दिया कि ये 120 नंबर पे चले गया सकल घरेलू उत्पादन में, यानी नेपाल की जीडीपी दुगने से ज्यादा कम हुई पिछले 30 साल में। इस समय नेपाल की जीडीपी है $40 बिलियन लगभग। यदि भारत विरोध नहीं होता, भारत की परियोजनाएं नष्ट नहीं होती नेपाल में, तो इस समय नेपाल की प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी होती $120 बिलियन कम से कम। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय जरूर होती, यानी नेपाल एक संपन्न होता, ठीक है, एक धनी नेपाल होता, संपन्न होता, और भारत के राज्यों से ज्यादा बहुत धनी होता। सिक्किम को आप देख लीजिए, 5,500-5,300 प्रति व्यक्ति आय है डॉलर में सालाना। तो अब नेपाल की तरह भूटान में भी होने वाला है लगभग। भूटान की मीडिया भूटानियों को भारत का दुश्मन बनाएगी, जिससे कि भूटान बुरी कदर प्रभावित हो सकता है और होगा। नेपाल का तो लगभग फाइनल है कि नेपाल जिस दिन चीन भारत पर अटैक करेगा उस दिन नेपाल की सेना काला पानी के लिए भारत पर अटैक करेगी, ये लगभग फाइनल है यदि देवबा की सरकार नहीं रहती है तो, क्योंकि प्रेशर नेपाली जनता जिस दिन भारत काला पानी में और ज्यादा सेनाएं भेजेगा उस दिन नेपाल की तरफ से बहुत विरोध होगा, और भारत तभी सेना भेजेगा काला पानी में ज्यादा जिस दिन चीन से लड़ाई होगी। इस पर एक वीडियो हम तैयार कर चुके हैं कि चीन के साथ नेपाल क्यों मिलेगा और क्यों भारत पर अटैक करने की तैयारी करेगा, वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। तो भारतीयों को ध्यान देना होगा कि अब भूटान भी या भूटान में भी नेपाल के जैसे भारत विरोध पैदा होने लग जाएगा। भूटान की जनता को झूठ बोल बोल के कि भारत तुम्हारा सब कुछ खा गया, जैसे नेपाली जनता को कहा जाता है कि भारत तुम्हारा सब कुछ खा गया, लेकिन हम पूछते हैं नेपाली जनता से कि आपका भारत ने क्या लिया है, तो नेपाली लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि कुछ जमीन लिया है, तो उन जमीनों पर डैम बने हैं, और डैम बनेंगे तो जमीन तो लेनी पड़ेगी ना, लीज पर ले रखी है जमीनें भारत ने कुछ कुछ जगह, और वो जमीन नेपाल में ही पड़ती है, भारत में नहीं पड़ती है। तो नेपाली मीडिया ने क्या बताया नेपालियों को कि भारत ने सब कुछ खा लिया नेपाल का, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या खाया, कोई एक दो चीजों का नाम तो बताए नेपाल कि भाई भारत ने हमारा ये खाया, कोई चीज तो बताओ नेपाली लोग कि भाई हमारा ये सब कुछ खाया भारत ने।
नेपाल का अब एक ही सिद्धांत बन गया है नेपाली मीडिया का, चीन की तारीफ करना और भारत भूटान की, भारत अमेरिका की बुराई करना, सच बातों से नेपाली जनता को दूर रखना। और वही सच बात हम नेपालियों को बताना चाहते हैं तो हमको दबा के गाली पड़ती है, क्योंकि भारत विरोध की भावनाएं इतनी गहरी भर दी गई है नेपालियों के दिमाग में कि उनको हटाना इतना आसान नहीं है। और हम उन्हीं को हटाने का प्रयास पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता नजर नहीं आ रही है।